हेलो दोस्तों, अमित मुलानी फ्रॉम दुबई गल्फ फूड 2024। अभी मेरे साथ है मिस्टर हितेश पंजाबी फ्रॉम प्राइज मास्टर जनरल ट्रेडिंग LLC, जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है। हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इनकी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हितेश भाई ने वैसे 2007 में बिजनेस चालू किया, 2015 से आपने ये कंपनी स्टार्ट की। जी, हितेश भाई की कंपनी प्राइज मास्टर जो है वो एक तो बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट भी करती है और ये दुबई के अंदर ऑलरेडी सेल करते हैं, साथ में इनका मैन्युफैक्चरिंग है दुबई के अंदर ही। ये जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी है, जैसे कि एग्रो हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी। एक और बात जो हितेश भाई की कंपनी की ओर से हमें पता चली वो ये कि स्पेसिफिकली ये इंडियन डायस्पोरा होने के नाते अपनी कंपनी को यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करके यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके क्रॉस बॉर्डर भी काम करते हैं, लाइक दुबई में प्रोडक्ट बना के या तो इम्पोर्ट करके फिर यहाँ से उसको वैल्यू एड करके बाहर के कंट्री में भेजते हैं। सो बट ऑब्वियस सर, आपकी कंपनी के बारे में जान के बहुत खुशी हुई कि आप इंडियन डायस्पोरा के बेस पे हैं, आप यहाँ पे इंडिया को इतने लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इंडियन होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, नो डाउट एनी नहीं, बिकॉज देयर इज स्टिल सो बिग ह्यूज स्कोप इज देयर वेयर एक्सपोर्टर्स कैन वर्क आउट। एब्सोल्युटली, एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट द दुबई बेस, सो दुबई बेस हमको बेनिफिट ये मिला कि वी कैन डू लॉट ऑफ क्रॉस ट्रेड हियर। एब्सोल्युटली, सो इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद इंडियन एंड UAE प्रोडक्ट्स, सो आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज। The right time I entered into the market, where few products were still like big Amul and they were doing, but we are now in a good position with them. Perfect. Sir, cross border को लेके आप मुझे थोड़ा ये बता सकते हैं कि मान लो कि अगर मैं दुबई के अंदर आप प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो इनको दुबई से कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं? देखो, दो चीज़ें अलग हो गई। क्रॉस ट्रेड एक अलग हो गया काम, जो बेसिकली इंडिया से अलाउ नहीं है, दुबई से अलाउड है। सो आप इसको ऐसे समझे कि मैं जैसे अभी इंडिया में आपका वीट फ्लोर बैंड हो गया एक्सपोर्ट, तो हम दुबई में बैठे होने से हमको ये बेनिफिट मिला कि वी कैन प्रोक्यूर फ्रॉम तुर्की एंड सेंडिंग टू श्रीलंका। अर्लियर द बिजनेस वाज ओनली फॉर कमिंग गोइंग फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। ओके, गॉट इट। एंड वी गॉट अ वेरी गुड क्लाइंट्स इन श्रीलंका, सो व्हेन दिस बैंड केम दे टोल्ड अस टू यू हैव टू अरेंज दिस थिंग, सो वी गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वी वेयर द फर्स्ट who took out the opportunity from Turkey to Sri Lanka. Super. So super. That is Dubai based होने का हमको ये बड़ा benefit मिला। बिल्कुल। And which is like India से हम ये cross trade business नहीं कर सकते। Okay. So and obviously जो product हम import कर रहे थे, no doubt हमारी sister concern company वहाँ पे manufacture कर रही थी, हमको यहाँ पे क्योंकि Dubai industry is also growing. So fresh products they are promoting. So उस सेम प्रोडक्ट में हमको उसमें भी बहुत बेनिफिट मिला है। सर, बेसिकली आप इंडिया से कहाँ से हैं? मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, MP से। ओके, इंदौर MP से। जी। एंड कितने सालों से आप दुबई के अंदर हैं? बेसिकली मुझे 20 साल हो गए, लेकिन 5-7 साल में इंडिया में भी था। शिपिंग मेरा बैकग्राउंड वैसे शिपिंग इंडस्ट्री है। okay. इंदौर में काफ़ी स्कोप में काम करा हमने उसमें। पर बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी इंडियन डायस्पोरा को बाहर के कंट्री में इतना ग्रो करके देखता हूँ। सर, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि मुझे ये बाय गॉड ग्रेस, बाय माय पेरेंट्स, विद माय वाइफ सपोर्ट, ऑल दिस अपॉर्चुनिटी कम टू मी। एब्सोल्युटली। सो एंड इनफैक्ट व्हेनेवर एनी पर्सन कम्स इन टू मी, वेदर ही इज एम्प्लॉय और व्हाट, आई ऑलवेज push them, promote them, help them to do their own business. Superb sir, superb. So ये बहुत कम still जितने भी मेरे colleagues हैं जो आप देख रहे हैं, 3-4 कंपनी हो गई आज हमारी, तो हम किसी में अभी इससे हमें ये बेनिफिट ये भी हुआ कि हमारा एक जिबूटी में काउंटर अफ्रीका में भी सेटअप बन रहा है, श्रीलंका में हमारे जो बायर थे वो आज हमारे साथ पार्टनर हो रहे हैं, कोलाबरेट हो रहे हैं, टर्की के जो हमारे सप्लायर हैं वो बहुत हमसे दे आर हैप्पी विद अस। सो दिस ऑल बाय नो डाउट जो फर्स्ट मुझे मिला बीइंग अ इंडियन, मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली। सुपर सर। एंड स्टिल इंडिया के जो मार्केट हैं, प्रोडक्ट्स हैं विद गुड क्वालिटी, दे विल ऑल गेट अप्रिसिएशन इंटरनेशनल मार्केट। और पिछले कुछ सालों में सर इसके अंदर बहुत सारा इनोवेशन भी हुआ है, बहुत इनोवेशन, खासतौर पर अगर हम बात करें फूड के अंदर तो क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है, पैकेजिंग को ध्यान में रखा जाता है और कॉम्प्लायंस को भी देखा जाता है 100%। सर, गल्फ फूड में आप कितने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हो? सर, सेम मैं 2014 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जब से कंपनी एस्टैब्लिश हुई तब। या बट पहले मैं डिफरेंट कंपनी को प्रमोट करता था, लाइक एक हमारी इंडियन ब्रांड थी, फिर हमारा एक इंडस करके कंपनी है जो मुझे ग्रीन पीस सप्लाई करती है, कुछ फ्रोजन सप्लाई करता है,
एक हमारा जर्सी गाय थी मिल्क मैजिक, जो हमको मिल्क मैजिक डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करती थी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्रमोटिंग माई ओन कंपनी ओके विथ माई ओन ब्रांड्स. परफेक्ट. एंड एक लास्ट सवाल सर जी, अगर कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर फूड प्रोडक्ट को लेके इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना चाहता है तो आपका क्या सजेशन होगा, उनको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? दो चीज़ें टॉप प्रायोरिटी है, एक तो एजुकेशन उस पर्टिकुलर में लेना बहुत जरूरी है. एजुकेशन नॉट इन सेंस कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, नहीं नहीं, बेसिकली यहाँ का जो रिटेल ट्रेड है, जिसे आपको यूएई में काम करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मी रिटेल ट्रेड हाउ इट इज वर्किंग. पीपल आर डूइंग एक्सपोर्टिंग, डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे वांट टू डू, बट दे आर लैकिंग द इंफॉर्मेशन व्हिच दे शुड हैव. उसके लिए उसके इशू से क्या होता है कि बहुत इशूज होते हैं जो हमने प्रैक्टिकली फेस करें, सप्लायर इशूज करा है, क्वालिटी इशूज फेस करा है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में, पर्टिकुलर ट्रेड में. देन सेकेंडली आपका इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है और आपका प्रोडक्ट कहाँ मैच हो सकता है. मैंने तो अभी हमेशा काम करा है दो तरीकों से, दो चीज़ें ही हैं, या तो प्रोडक्ट में करंट रिक्वायरमेंट हो या फिर आपका नया कोई प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करें. Absolutely, absolutely. दो चीज़ें तो और मार्केट में हर चीज़ की स्कोप है. हाँ. किसी चीज़ की आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है. तो हितेश भाई ने बहुत मस्त बात बताई कि सबसे पहली बात तो ये कि आप ये ध्यान दो कि जिस मार्केट में आप कुछ बेचना चाहते हो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर प्रोडक्ट होगी तो भी तब जाके वो बिकेगा. एंड सेकंड उन्होंने बहुत मस्त ये भी बताया कि एडुकेशन स्पेसिफिकली मार्केट का होना भी बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर मैं यूएई के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड चलता कैसे है, यहाँ पे सेल्स होता कैसे है. अगर मैं ये नव पकड़ूंगा देन एंड देन आई कैन सेल माई प्रोडक्ट्स इनटू दिस मार्केट. थैंक यू सो मच सर फॉर योर डिटेल इंटरव्यू एंड ये बिल्कुल बहुत काम आएगा हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए. थैंक यू सो मच. आई एम होपिंग दैट कि आने वाले सालों में आपकी कंपनी 10 गुना ज्यादा तरक्की करे और अगली बार ये पूरा का पूरा लंबा जितना भी एरिया है आपका ही हो स्टॉल के. आई वांट टू थैंक्स टू यू एंड ऑल माय सपोर्टर्स. एब्सोल्युटली सर. एंड ये जो आपने एक बहुत मस्त बात बोली मुझे बहुत टच कर गया कि आप अपने एम्प्लॉयज को ये बोलते हैं कि भाई अगर आप बिजनेस के अंदर एंटर हो सकते हो तो प्लीज पुश योरसेल्फ एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. एंड कभी भी मौका मिला इंडिया आने का तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मिलते हैं. बिल्कुल. थैंक यू.